हेलो गाइस, वेलकम टू एटॉमिक स्टडी। आज हम इसरो के VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए हुआ था और टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए हेल्ड हुआ था 10/2/2019 को। गाइस, इससे पहले भी मैंने इसरो के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का, उसका टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए उसका क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रखा है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक दैट दोज क्वेश्चन पेपर देन यू कैन व्यू इन माई प्रीवियस वीडियो। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वॉट इज द कलर कोड फॉर 3300 ohm ±5% रजिस्टर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है और पूछ रहा है कि इसका कलर कोड क्या होगा, यानी कि इसका रंग क्या होगा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ये है। हमें पता है फॉर्मूला BBROY, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग सिल्वर, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर, नो कलर, राइट। तो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो फर्स्ट जो कोड है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, नेक्स्ट होता है 1, 2, 3 और 4। ओके, यहाँ पे पहला कोड दे रखा है 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑरेंज, तो हमारा पहला वर्ड क्या हो जाएगा, ऑरेंज। दूसरा दे रखा है 3, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑरेंज। तीसरा दे रखा है 00, 00 का मतलब हम इसे लिख सकते हैं 10^2, इसे हम लिख सकते हैं 33 × 10^2। तो 10^2 किसका हो जाएगा, आपका रेड का हो जाएगा, तो अगला क्या हो जाएगा, रेड। और यहाँ पे दे रखा है ±5%, यानी कि ये होता है आपका गोल्ड का, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज, रेड और गोल्ड। तो आपका फर्स्ट और जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है ऑरेंज, ऑरेंज, रेड और गोल्ड। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चार रो चार कॉलम से युक्त कोर्नो मानचित्र का उपयोग कर कितने निवेशों यानी कि इनपुट के लॉजिक फंक्शन को सरल बनाया जा सकता है। इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, द लॉजिक फंक्शन ऑफ हाउ मेनी इनपुट्स कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग द कार्नो मैप विथ 4 rows and 4 columns। एक कार्नो मैप है जिसमें कितने रो हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, चार रो हो गए और कॉलम कितने हैं, 4 हो गए। पूछ रहा है कि इसका जो है इनपुट कितने, इनपुट वेरिएबल्स कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इनपुट वेरिएबल्स का, ये होता है आपका नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल इज इक्वल टू 2^n। नंबर ऑफ इनपुट कितने दे रखे हैं हमें, यहाँ पे हमें इनपुट हमारा यहाँ पे ये होता है एन होता है नंबर ऑफ इनपुट, एन ये होता है इस कैपिटल एन होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल मतलब रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम कितना रखा है, 4/4 का है और ये 2^n है, तो हम 4/4 को क्या लिख सकते हैं, 2^4 इज इक्वल टू 2^n। तो हमें पता है कि अगर आधार बराबर हो तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं, तो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी कि 4 इनपुट वेरिएबल्स होंगे अगर 4/4 का कार्नो है तो, यानी कि 4 रो और 4 कॉलम में 4 ही इनपुट वेरिएबल होंगे, यानी कि वो क्या होंगे, ए बी सी और डी, ये 4 हमारे यहाँ पे इनपुट वेरिएबल बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ 1 microfarad कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी यदि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 microfarad है। तो हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू होता है 1/2πfc। यहाँ पे XC क्या है, रिएक्टेंस है, 2π कांस्टेंट है, F है फ्रीक्वेंसी और C क्या है, कैपेसिटेंस है। तो अगर हम डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर हम यहाँ पे F की वैल्यू 0 रख दें तो ये ऑल वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 0, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो हम डीसी सर्किट में चाहे कैपेसिटर की कुछ भी वैल्यू हो, रिएक्टेंस ऑलवेज बी इनफाइनाइट, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आई थिंक ये सबको पता है। अगर ओम की बात करें तो ये आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है, और फैराडे कैपेसिटेंस की होती है यानी कि कैपेसिटर की यूनिट होती है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, अ डायोड यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, कौन सा डायोड है जो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज होता है, तो वो होता है आपका जीनर डायोड। ऐसे ही हम LED की बात करें, लाइट इमिटिंग डायोड की, तो इसका जो यूज़ है वो होता है आपका विजुअल सिग्नल एप्लीकेशन में,
डिजिटल क्लॉक में, कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में और सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ऐसे अगर जीनर डायोड की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में तो इसका यूज होता ही है, साथ ही पीक क्लिपर के रूप में भी इसका यूज होता है। एमिटर प्रोटेक्शन के रूप में भी हम जीनर डायोड को यूज करते हैं और फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज के रूप में भी हम जीनर डायोड को यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वोल्टेज रेगुलेटर यूज एज अ जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन अ बैटरी फोर सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे ये पैरेलल में 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे जो है कनेक्टेड हैं सेल, और प्रति ईच ऑफ द रेटिंग 1.5 वोल्ट, सबकी रेटिंग क्या है 1.5। अगर मैं बता दूँ आपको कि जो हमारे सेल्स हैं वो अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो सबकी वैल्यू सेम ऐसे भी होती है, राइट। तो इसका नेट जो है ये पूछ रहा है एंड 4 एम्पियर आवर, इसकी रेटिंग क्या है 1.5 वोल्ट है और एक की क्या है 4 एम्पियर आवर इसकी रेटिंग है, यानी कि ये 1 घंटे तक 4 एम्पियर की करंट को दे सकता है। तो पूछ रहा है कि द एम्पियर आवर रेटिंग ऑफ बैटरी, तो बैटरी की रेटिंग क्या होगी। तो ये क्या है, छोटे छोटे क्या है सेल हैं, और कई छोटे छोटे सेलों के मिलने से क्या बनती है बैटरी बनती है, राइट। तो ये पूछ रहा है कि बैटरी की जो है, ये जो पूछ रहा है कि जो जो बैटरी है बड़ी वाली है तो बैटरी की रेटिंग क्या होगी। तो बैटरी की रेटिंग इन सभी की रेटिंग को मिला के होगी, तो प्रत्येक कितना है इसका 1.5 वोल्ट, प्रत्येक का वोल्टेज है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट। और करंट की बात करें, करंट रेटिंग की, तो प्रत्येक का जो है, अच्छा ये 1.5 हो क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल में सभी का वोल्टेज क्या होता है इक्वल होता है, दैट्स वाई इट विल बी 1.5 वोल्ट। अगर हम करंट की बात करें तो करंट अलग अलग होंगे, तो कितना होंगे, एक में एक सेल में करंट है 4 एम्पियर का, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 का, इसमें कितना, इसमें 4, तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 8, 4 12 और 4 16, यानी कि 4 × 4 हो जाएगा, तो 16 एम्पियर आवर्स 1 घंटे में ये बैटरी दे सकती है हमारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी, यानी कि अगर कोई सेल 1.5 वोल्ट का है और 4 सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं, राइट, तो इन सभी का जो नेट बैटरी का वोल्टेज होगा वो होगा 1.5 वोल्ट, और क्वेश्चन ने पूछा है कि करंट रेटिंग कितनी होगी, तो वो होगी 16 एम्पियर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ रजिस्टर 20 ओम, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, यानी कि पूछ रहे कि पी की वैल्यू क्या होगी अगर हमें आई की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर और आर की वैल्यू दे रखी है 2 ओम। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा आई आर, राइट, सॉरी पी इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। ओके, तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 वोल्ट। आई क्या है हमारा, ये हमारा है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस, पी क्या है पावर। तो हमें पता है कि करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई कितना दे रखा है रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट, यानी कि अगर किसी डिवाइस में, किसी सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और जीरो आधी ओम की सॉरी हाफ एम्पियर की करंट है, तो उसका पावर डिसिपेशन होगा 1/2 वाट, राइट। नेक्स्ट है आपका कि 3 नंबर्स ऑफ 120 पिको फैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज, यानी कि पूछ रहा है कि जो 3 कैपेसिटर हैं 1, 2 और 3, ये कनेक्टेड हैं सीरीज में, प्रत्येक का प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 120 PF, इसका भी 120, इसका भी 120। तो कह रहा है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस यानी कि नेट कैपेसिटेंस कितना होगा इसका। तो हमें फॉर्मूला पता है कि सीरीज में अगर कैपेसिटर हो तो उसका फॉर्मूला होता है सी नेट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर इसी फॉर्मूले में हम अगर इसकी वैल्यू को रख दें तो ये हो जाएगा 1/120 + 1/120 + 1/120, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/120, यानी कि इसको डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा आपका 1/40। तो 1/C इज इक्वल टू क्या आ गया 1/40, तो C इज इक्वल टू 40 क्या पी के फेराडे, पी को फेराडे, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ करंट
इन अ सर्किट इज, करंट का फॉर्मूला पूछता है, तो वो होता है यहाँ पे आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, जहाँ पे आई क्या है आपका करंट है, क्यू है आवेश और टी है समय। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, क्यू की यानी कि कुलाम, आवेश की होती है कुलाम, और टाइम का होता है आपका इसका एसआई यूनिट होता है सेकंड। ओके तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट इज इक्वल टू आपका चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि फर्स्ट विल बी द, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर फॉर द नाइन्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि अ कार रनिंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स कवर एट अ डिस्टेंस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर, टाइम टेकन टू बी कवर्ड द डिस्टेंस इज, पूछ रहा है कि एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है और 450 किलोमीटर तक जाती है, तो कितना समय लगाती है इतनी दूरी तय करने में। तो हमें पता है कि हमारा जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन टाइम, राइट, यही फॉर्मूला होता है, सॉरी ये टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे पूछा है टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी देर की है, 450 किलोमीटर, राइट, और स्पीड कितना देखा है 60 किलोमीटर, 0 से 0 गया, इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो हो जाएगा 7.5, तो इसका कितना आ जाएगा 7.5 घंटे में कोई कार अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो 450 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एडवांटेज ऑफ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इज, SMPS का एडवांटेज क्या है। तो SMPS जो हमारा है कंप्यूटर में यूज होता है हमारे PC के लिए, जो कि अगर हम PC को है अपना जो है जो भी घरों में हमारा करंट आता है 220 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या बीच में यूज करते हैं SMPS, जो कि AC को यहाँ पे ज़्यादा इफ़िशियंट होता है और इसे पावर सप्लाई देता है, इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं कि लो रिपल एंड नॉइस, EMI रिलेटेड इशू, हाई इफ़िशियंसी और हाई स्विचिंग स्पाइक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वी प्रीफर SMPS फॉर द PC, यानी कि सप्लाई के लिए हम SMPS यूज करते हैं। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द गेज ऑफ वायर फ्रॉम 22 AWG टू 26 AWG, ऑल अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग द सेम। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक AWG है, AWG होता है ये वायर के डाया को मेजर करता है, AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज, और हम जो इंडिया में इसका स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो होता है SWG, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। बेसिकली ये होता है एक इस तरह की डिवाइस होती है, बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है, इसमें यहाँ से कट कट लगे होते हैं ऐसे करके, और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होता है हो जाती है वैसे वैसे डायर डिक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक जो एक AWG का डाया होगा वो बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा डाया होगा, और जो 30 AWG का डाया होगा वो बहुत छोटा होगा, यानी कि वैल्यू जितनी बड़ी होगी SWG में आकार उतना ही डाया ही उतना क्या होगा, छोटा होगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम 22 AWG से 26 AWG की वृद्धि पर जाएं, रेंज पर जाएं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, डाया जो है घट जाएगा, तो डाया घटेगा तो क्या घटेगा, साथ में रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि एरिया के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। कैसे होता है डिक्रीज, तो एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो L/A। इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि आर जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज। ओके तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डोपिंग मटेरियल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन सी डोपिंग यूज करते हैं। तो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में क्या करते हैं, सिलिकॉन में यानी कि टेट्रावेलेंट में ट्राईवेलेंट की डोपिंग करते हैं, यानी कि टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, और ट्राईवेलेंट का कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर हम इसकी डोपिंग करते हैं, ये होते हैं आपके एल्यूमिनियम बोरॉन और ये होते हैं अदर। अगर हम इसकी बात करें पी टाइप की, तो इसमें हम टेट्रावेलेंट में पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हैं, यानी कि फास्फोरस की और जो है आपका गैलियम की, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 13th का, अर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी और गैलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। पी टाइप के सेमी कंडक्टर में गैलियम का यूज़ करते हैं। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जो है हमारा पी टाइप के सेमी कंडक्टर में, कि यहाँ पे बीच में सिलिकॉन होता है एटम और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे बोलते हैं हम टेट्रा वैलेंट, यानी कि टेट्रा मतलब कि 4, वैलेंट मतलब कि वैलेंस से संयोजकता इसकी 4 होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक गैलियम या फिर फास्फोरस कुछ भी ले लें जिसकी जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें डोप कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं, शुद्धि मिला देते हैं। तो सिलिकॉन के 4 एटम जो हैं यहाँ पे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, बच जाता है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फास्फोरस का, और सिलिकॉन के पास हो जाती है इलेक्ट्रॉन की कमी। और दिस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल्स, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही क्या कहते हैं हम, होल्स। और यही होल्स जो है मेजोरिटी कैरियर का काम करता है पी टाइप के सेमी कंडक्टर में, जो करंट को क्या करता है, फ्लो करता है। कैसे करता है कि ये होल जो है इस इलेक्ट्रॉन के कोवलेंट बॉन्ड को जाके तोड़ेगा और कहेगा कि मैं इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता हूँ, फिर यहाँ से ये जो एक होल क्रिएट हो जाएगा, ये जाके इस वाले को, इसके होल को एक्साइट करेगा, ऐसे ही ये एक दूसरे को एक्साइट करेंगे और हमारा जो है करंट फ्लो होने लगा सेमी कंडक्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम ओनली पेंटावेलेंट यूज करते हैं पी टाइप के सेमी कंडक्टर में, तो आइदर इट विल बी गैलियम और फॉस्फोरस। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैज़ मैक्सिमम इफिशियंसी। तो हम देख लेते हैं, इसमें है आपका ताप दीप्त लैंप, LED, CFL और फ्लोरोसेंट लैंप। तो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी होती है हमारी CFL, सॉरी LED की, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14th का, डी की LED की इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर LED की हम बात करें फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, राइट। और इसका यूज़ हम किस में करते हैं, LED का ये होता है डिजिटल क्लॉक में यूज होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में यूज होता है, कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर में और जो है विजुअल सिग्नल एप्लीकेशन आदि में इसका भी यूज होता है LED का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन। सिग्नल टू नॉइस रेशियो को किस में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि उसकी यूनिट क्या होती है। तो अगर हम सिग्नल टू नॉइस, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, ये इसको कहा ही जाता है SNR, राइट, या फिर हम इसको कहते हैं S/N, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, एक्चुअली ये SNR है हमारा जो है, या SN है हमारा, ये बैकग्राउंड नॉइस को सिग्नल नॉइस से कंपेयर करता है, सिग्नल की जो हमारा सिग्नल गिवन होता है उसको और बैकग्राउंड में क्या डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको कंपेयर करता है हमारा सिग्नल नॉइस रेशियो, और इसकी यूनिट होती है हमारी डेसिबल। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डेसिबल जो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो की यूनिट है। अगर हम इसकी यूनिट, ये किसकी यूनिट है, वोल्ट, तो ये होती है आपकी वोल्टेज की, यानी कि विभवांतर की। वाट की बात करें तो ये शक्ति की यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, और हर्ट्ज जो है आपकी HZ, ये होती है आपकी फ्रिक्वेंसी की यूनिट। तो ये तीनों अगर एलिमिनेशन मेथड से अभी आप कभी निकालना चाहें, तो ये फ्रिक्वेंसी, पावर, वोल्टेज और सिग्नल टू नॉइस, और ये डेसिबल है, ये ध्वनि की तीव्रता की भी यूनिट होती है, तो इसे भी आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मल्टीप्लेक्सर डज द फंक्शन ऑफ, मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है। तो ये यूज होता है हमारा डेटा सिलेक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी कि मल्टीप्लेक्सर इज यूज फॉर डेटा सिलेक्शन, यानी कि डेटा सिलेक्टर के रूप में हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि कैपेसिटी ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर इज स्पेक्ट इन। जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैपेसिटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये करते हैं हम वोल्ट एम्पियर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और अगर हम बात करें वोल्ट की, तो मैंने अभी अभी बताया कि वोल्ट किसको किसकी यूनिट होती है, ये होती है आपकी विभवांतर की, यानी कि वोल्टेज की। एम्पियर यूनिट होती है आपकी धारा की, यानी कि करंट की। और वॉट यूनिट होता है आपका पावर की, यानी कि शक्ति की यूनिट होती है वॉट। नेक्स्ट है आपका कि विच ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ वोल्टेज बफर। कौन सा ट्रांजिस्टर है जो वोल्टेज बफर के रूप में यूज होता है, तो ये है आपका कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। ओके, अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को, ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर, ये हमारा हो गया इमीटर, ये बेस हो गया,
ये कलेक्टर हो गया। अगर हम इसको अर्थिंग कर दें, कलेक्टर की अर्थिंग कर दें, तो ये कैसे बिहेव करेगा? वोल्टेज बफर की तरह बिहेव करेगा। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कि अगर किसी ट्रांजिस्टर की कॉमन कलेक्टर मोड में कॉन्फ़िगरेशन कर दें, बायसिंग कर दें, तो वो वोल्टेज बफर की तरह यूज़ करने लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 डिग्री, इट्स एडजेसेंट एंगल इज, यानी कि किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल दे रखा है 72 डिग्री का, पूछा दूसरा एंगल क्या होगा। हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में सम्मुख भुजाओं का जो है कोण का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर इसमें से 72 को माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 108। तो दूसरे कोण का मान क्या हो जाएगा? 108 डिग्री। और अगर इसमें हम पूछें कि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का योग, मतलब सभी कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है आपका 360 डिग्री। और इसने सम्मुख पूछा है तो सम्मुख का दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 108 डिग्री जो है दूसरा एडजेसेंट एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ वेन ब्रिज ऑसिलेटर द वोल्टेज गेन शुड बी, वेन ब्रिज ऑसिलेशन के लिए वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए? तो वोल्टेज गेन फॉर एम्पलीफायर सर्किट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर ऑसिलेशन। किसी भी ऑसिलेशन के लिए किसी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होना चाहिए? 3 के बराबर या 3 से अधिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? ये हो जाएगा आपका बी, कि यानी कि वेन ब्रिज ऑसिलेशन के लिए वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो ये हो गया आज के लिए। अगर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बना दूंगा, आप जो है जाके चेक कर सकते हो, उसे देख सकते हैं। और ओके गाइज, दैट्स फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।